हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 19, और ये पेपर हुआ था 9/8/2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं और प्री के ये 25 क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्पॉटिंग एरर से, और सेम इसी तरीके का पैटर्न, जिस तरीके से क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन पैटर्न आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्पॉटिंग करके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। आई वॉज टेकन विद सरप्राइज व्हेन आई सॉ द ब्यूटीफुल ताज महल। देखिए, ये एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक ग्रामर के आते हैं। अब देखिए, यहां पर देखिए, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, टेकन विद सरप्राइज आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन सही जो फ्रेज होता है वो होता है टेकन बाय सरप्राइज। ठीक है, आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। तो यहाँ पर आपका आएगा टेकन बाय सरप्राइज। ठीक है, एक टेकन इन भी होता है, एकदम शॉक्ड रह जाना, उसको भी हम टेकन इन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, यानी ए इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। ये क्वेश्चन भी एक टिपिकल एसएससी क्वेश्चन है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर को देख के। जिस सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हैं, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन पहले होता है, 2 एक्शन होते हैं इसमें, पास्ट में 2 एक्शन होते हैं, और एक एक्शन पहले ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है। तो जो एक्शन पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी बिफोर के पहले वाला जो पार्ट है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब उसके मेरे घर पहुंचने से पहले मैं अपना घर का काम पूरा कर चुका था। ठीक है, तो यहां पर आई फिनिश्ड के स्थान पर हम बोलेंगे आई हैड फिनिश्ड, यहां पर हम बोलेंगे आई हैड फिनिश्ड, यानी इसमें ए आपका आंसर होगा। फिलिप्स के कुछ क्वेश्चन हैं, 2-2 करके क्वेश्चन आते हैं एसएससी एग्जाम में। पहले 2 स्पॉटिंग एरर के आएंगे, फिर फिलिप के आएंगे, फिर आपके सिनोनिम एंटोनिम्स के आएंगे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आएंगे। इस तरीके से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन का। ठीक है, बींग अ डॉक्टर ही नेवर शर्क वर्क। देखिए, इसमें की वर्ड क्या है, इसमें आपका जो की वर्ड है वो है शर्क। शर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना, काम चोरी करना, उसको हम बोलते हैं शर्क। तो बीइंग ए डॉक्टर ही नेवर शर्क वर्क, वह काम से कभी भी जी नहीं चुराता। तो कैसा व्यक्ति होगा जो काम से कभी भी जी नहीं चुराएगा, वो होगा कंशेंटियस। तो यहां पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, बीइंग अ कंशेंटियस डॉक्टर ही नेवर शर्क वर्क, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका सी। कॉन्सियस का क्या मतलब होता है, कॉन्सियस का मतलब होता है अवेयर होना या जागरूक होना। कॉन्सेंस का क्या मतलब है, कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतरात्मा। ठीक है, और कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, जैसे 4 लोग साथ में बैठे हैं और उनमें आपस में एग्रीमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कंसेंसस, मतलब उनमें आपस में एग्रीमेंट है, उनमें आपस में सहमति है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। इनकी स्पेलिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सियस, कॉन्सेंस, कॉन्सेंटियस और कॉन्सेंसस। देखिए किस तरीके से एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा, सी जो ऑप्शन होगा, ये यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड बाय द चेयरमैन। प्रिसाइडेड ओवर का क्या मतलब है, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है मीटिंग की अध्यक्षता करना, मतलब उसको, उसका जो हेड होता है, जो मीटिंग को लेता है, उसको हम बोलते हैं द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, मतलब मीटिंग जो लेता है उसको हम बोलते हैं कि मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर। तो प्रिसाइड के साथ हम हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो ये आंसर होगा यहां पर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं वैसिलेट। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, वैसिलेट का मतलब डगमगाना या हिलना या इधर उधर होना। ठीक है, तो हेजिटेट भी हो सकता है इसका, लेकिन यहां पर सिनोनिम पूछा है, तो वैसिलेट का मतलब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। वैसिलेट का इसमें डायरेक्ट इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है। रिजोल्यूट को रिजोल्यूट के पहले इसमें प्रीफिक्स लगा दिया गया है, जिससे ये बन गया है इररिजोल्यूट। ठीक
ठीक है। तो रिजोल्यूट का अर्थ होता है फर्म होना, एकदम से डिटरमिंड या फर्म होना, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूट। और जो रिजोल्यूट नहीं है वो होगा इररिजोल्यूट। और वैसीलेट भी होता है, तो वैसीलेट का जो सही जो सिनोनिम होगा यहां पर, ये होगा आपका इररिजोल्यूट। ठीक है। कंक्लूसिव मतलब जिससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, प्लेफुल जो हंसी मजाक करता रहता है उसको हम बोलते हैं प्लेफुल। तो इस तरीके से इररिजोल्यूट वैसीलेट का सिनोनिम होगा, और रिजोल्यूट जो होगा वो एंटोनिम होगा। इनडोमिटेबल, देखिए इस क्वेश्चन को भी घुमा के दिया है, इनडोमिटेबल मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, जो फर्म है, जो डिटरमिंड है, ठीक है, जिसको डोमिनेट नहीं कर सकते आप, उसको हम बोलते हैं इनडोमिटेबल। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा? अनकॉन्करेबल, जिसको जीता नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसमें प्रीफिक्स लगा दिया है, तो अनकॉन्करेबल इसका सही आंसर होगा। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब दोनों में डिस्प्यूट होना, फॉल्सिफिकेशन मतलब झूठा साबित करना किसी चीज़ को, और इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट। तो इनकी स्पेलिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनकॉन्करेबल इंपॉर्टेंट है, इंटरमिटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चन। एक्सटेन्यूएट, एक्सटेन्यूएट को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, लेसन करना, मिटिगेट करना। तो स्ट्रेंदन इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्सटेन्यूएट मतलब कमज़ोर करना, स्ट्रेंदन मतलब मजबूत करना। इनफीबल का मतलब भी कमज़ोर करना होता है, अबैट का मतलब भी कमज़ोर कमज़ोर करना होता है। ये यहाँ पर है ना, ABATE, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है ABATE और एक होता है ABET। ठीक है, ABET जो होता है उसका मतलब होता है किसी को इनकरेज करना या सपोर्ट करना, उसका साथ देना। और अबेट जो जो ये वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब होता है किसी किसी चीज़ को कम करना, उसको मिटिगेट करना। और एक्विट मतलब किसी व्यक्ति को बरी करना, उसको छोड़ देना। तो ये इसके मतलब है। फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, तो फीबल जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, फीबल, ही इज़ फीबल मतलब ही इज़ वीक। और इनफीबल जो है ये वर्ब फॉर्म है, इनफीबल। फेकेंड का क्या अर्थ है? ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। फेकेंड का अर्थ होता है फर्टाइल या प्रोडक्टिव। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जमीन, कोई भी व्यक्ति, वस्तु जो फेकेंड है मतलब वो फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है। प्रोलिफिक एक्चुअली इसका सिनोनिम होगा, और स्टराइल इसका एंटोनिम होगा, स्टराइल इसका एंटोनिम होगा। प्रोलिफिक प्रोडक्टिव होता है। नेसेसिटेट टर्मोइल मतलब जो उठा पटक होती है, जैसे जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मोइल। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम होगा स्टराइल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हैं इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस। द थिन एंड ऑफ द वेज। थिन एंड ऑफ द वेज का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन आप शुरू करते हैं, और शुरुआत में कोई भी चीज़ काफ़ी कमज़ोर सी लगती है, लेकिन उसके जो इफेक्ट होते हैं, उसके जो लॉन्ग रन में जो इफेक्ट होते हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। द थिन एंड ऑफ द वेज इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बैड विच सीम्स हार्मलेस और अनइम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट, बट इज लाइकली टू बिकम मच वर्स इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो शुरू में आपको हार्मलेस लगती है, शुरू में ऐसा लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन बाद में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको हम बोलते हैं द थिन एंड ऑफ द वेज। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मतलब किसी भी चीज़ के चैलेंज, किसी किसी चैलेंज को स्वीकार करना। टू शो दैट वन इज विलिंग एंड रेडी टू फाइट। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो ए यहां पर सही आंसर आपका होगा। ये पूरे नीचे मैंने डिस्क्राइब किया गया किया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द रीजन ऑफ आवर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। मतलब उसका रीजन, उसका आउटबर्स्ट का रीजन पार्टी के अंदर अभी भी अननोन है। आउटबर्स्ट का मतलब होता है एकदम से रोने लगना, एकदम से हंसने लगना, जो सडन इमोशंस होते हैं उसको हम आउटबर्स्ट बोलते हैं। द रीजन ऑफ हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। और जो पार्ट ब्रैकेट में दिया है, यहां पर जो पार्ट दिया है, केवल उस पार्ट को आपको देखना है कि वो कैसे करेक्ट हो सकता है।
यदि वो ऑलरेडी करेक्ट है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, यदि करेक्शन की गुंजाइश उसमें है तो उसमें आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। रीजन के साथ हम क्या लगाते हैं, रीजन के साथ हम फॉर लगाते हैं, द फॉर, तो इसमें आपका आंसर होगा ए। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट अग्री टू द कंपनीज अप्राइजल पॉलिसी। अप्राइजल पॉलिसी क्या होता है, अप्राइजल पॉलिसी जैसे कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो साल के आखिरी में उसको उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाता है, उसको अप्राइज किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी में इंक्रीमेंट और सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अप्राइजल पॉलिसी। ठीक है, तो आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई डिड नॉट अग्री टू द कंपनीज अप्राइजल पॉलिसी, मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैं कंपनी की जो अप्राइजल पॉलिसी है उसके साथ अग्री नहीं करता था, उसके साथ सहमत नहीं था, मुझे लगता था कि वो सही नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो इस सेंस में हम एग्री के साथ हम विद लगाते हैं। एग्री ऑन, जब हम किसी इशू पर एग्री होते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो उसके साथ हम एग्री ऑन लगाते हैं। एग्री विद हम पर्सन के साथ भी लगाते हैं और एग्री टू हम प्रपोजल के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सही बेटर चॉइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए एग्री विद। टू एग्री विद समवन इज टू शेयर अ पॉइंट ऑफ व्यू विद हिम हर, एंड टू एग्री विद एन आइडिया और प्रपोजल इज टू एक्सेप्ट इट एंड टू बिलीव दैट इट्स वैलिड। मतलब आपको लगता है कि ये चीज वैलिड है तो आप एग्री विद उसके साथ करते हैं। ठीक है, तो बी यहां पर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, स्पीकिंग विद ए स्टैमर और लिस्प। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना और लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। ठीक है, हकलाना और तुतलाना, इन दोनों को मिला के जो वर्ड बनता है वो होता है स्टटरिंग। स्टटरिंग यहां पर सही आंसर आपका होगा। बाकी इन वर्ड्स के मीनिंग मैंने यहां पर दिए हैं, मेलिलोक्वेंट का मतलब होता है स्पीकिंग स्वीटली और हारमोनियसली। ठीक है, मेलोडियस वर्ड भी इसी से मिलकर बना है, उसमें भी रूट वर्ड यही है। डेंटिलोक्वेंट मतलब टॉकिंग थ्रू वंस टीथ, दांतों से बात करना। फैटिलोक्वेंट मतलब फैट, फेट या भविष्य के बारे में बात करना, उसको हम बोलते हैं फैटिलोक्वेंट। और स्टटरिंग का मतलब होता है कि तुतलाना या हकलाना। तो चारों वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन चारों में से भी कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक्सेसिव डिजायर टू वर्क और एक्सरसाइज, ठीक है, काम करने की, अत्यधिक काम करने की इच्छा या अत्यधिक एक्सरसाइज करने की इच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं। मैनिया का अर्थ होता है एक्चुअली पागलपन, मैनिया। ठीक है, फोबिया का अर्थ होता है डर, मैनिया का अर्थ होता है पागलपन और फोबिया का अर्थ होता है डर। तो इन दोनों वर्ड्स को भी आप याद रखिए, इर्गोमैनिया इसको हम बोलेंगे, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क। तो यहां पर सही आंसर आपका होगा इर्गोमैनिया। आइडोलोमैनिया मतलब आइडोल्स के लिए पागलपन, मूर्तियों के लिए पागलपन। इस्लोमैनिया मतलब आइलैंड्स के लिए पागलपन। इथ्रोमैनिया मतलब देखिए, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उस पर्टिकुलर रीजन का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एथनीसिटी। ठीक है, एथनिक कल्चर उसको हम बोल सकते हैं। तो एथनोमैनिया वही होता है। ठीक है, इर्गोमैनिया जो होता है एन ऑब्सेशन विद एक्सेसिव वर्क। आइडोलोमैनिया अ मैनिया ऑफ आइडोल्स। इस्लोमैनिया एन ऑब्सेसिव एंथुसियाज्म और पार्शियलिटी फॉर आइलैंड्स। और इथ्नोमैनिया एन ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ओन एथनिक पीपल और रेस। अपनी रेस के प्रति, अपने ग्रुप के लोगों के प्रति जो एक ऑब्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं एथ्नोमैनिया। इनकरेक्ट स्पेलिंग, पर्टिनेसियस मतलब डिटरमिंड, डिमार्केशन मतलब एक जैसे हम, जैसे लैंड होती है उसमें एक सीमा, एक डिमार्केशन लाइन हम खींच देते हैं, जैसे एक प्लॉट होता है उसमें एक डिमार्केशन लाइन हम खींच देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमार्केट करना। ठीक है, पर्टिनेसियस मतलब डिटरमिंड या फर्म। टेम्परामेंट मतलब आपका जो स्वभाव होता है। सरेप्टिटियस में एक्चुअली डबल आर आता है, सरेप्टिटियस मतलब सीक्रेट तरीके से किसी काम को करना। सरेप्टिटियस यहाँ पर गलत है स्पेलिंग, तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें ट्रेचरी सही है, सप्रेशन सही है, रिजेम्बलेंस सही है। रेफरेंडम इसमें गलत है, रेफरेंडम में डबल आर नहीं आता। ठीक है, ट्रेचरी मतलब धोखा होता है, सप्रेशन मतलब दबाना, रिजेम्बलेंस मतलब दो चीज़ों का आपस में मिलना, और रेफरेंडम मतलब ये एक मतदान टाइप का होता है ये, इसमें
लोगों से ओपिनियन लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और पैराजंबल का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है ये। देखिए कहाँ से सेंटेंस शुरू होगा ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हाउ एवर से शुरू नहीं होता, कोई भी सेंटेंस वाइल से शुरू नहीं, क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। अब इन दोनों में से सेंटेंस शुरू होगा, ठीक है, तो इन दोनों में से टाइटल सेंटेंस कौन सा बन सकता है, वहाँ से आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है द रशियन द ऑयल इंडस्ट्री वॉज द प्राइम टारगेट ऑफ ए स्वीपिंग प्राइवेटाइजेशन ड्राइव लॉन्च आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के ब्रेकअप की इसमें बात हो रही है, और इसमें हम बात कर रहे हैं रशियन गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। देखिए इसमें जो सेंटेंस है वो कॉमन है, इसमें सेंटेंस है स्पेसिफिक, इसमें हम रशियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और इसमें हम ऑयल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे ऑयल इंडस्ट्री वो रशियन गवर्नमेंट की हो या सोवियत यूनियन की हो, तो इसमें सेंटेंस कॉमन है। कॉमन टू स्पेसिफिक हम जाते हैं, पहले हम कॉमन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो इसमें आप क्यू को पहले लेंगे, आर को बाद में लेंगे, नहीं नहीं इसके साथ ये नहीं जुड़ेगा द ऑयल, इसको आप पहले ले सकते हैं, इसको आप बाद में ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस तो फर्स्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वाइल है, यहाँ पर हाउ एवर है, तो ये तो कनेक्टिंग सेंटेंस हैं एक्चुअली। इन दोनों में से एक फर्स्ट बन सकता है, तो फर्स्ट आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। द ऑयल इंडस्ट्री वॉज द प्राइम टारगेट ऑफ ए स्वीपिंग प्राइवेटाइजेशन ड्राइव लॉन्च आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए फिर आप बोल सकते हैं हाउ एवर नॉट ऑल रशियन हैव बीन रोलिंग इन ऑयल वेल्थ। तो क्यू के बाद आप एस लगा सकते हैं, ये क्यू एस एक मैंडेटरी पेयर यहां पर बन जाएगा, क्यू एस एक मैंडेटरी पेयर बन जाएगा, और क्यू एस का इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, तो आपका सही आंसर होगा इसमें क्यू एस आर पी, ठीक है। आर यहां पर जुड़ जाएगा। देखिए रशियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डू फॉर इट्स पीपल इवन ए फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द सोवियत यूनियन विद ट्वाइस द पॉपुलेशन डिड विद द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑयल। द रशियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डू फॉर इट्स पीपल, रशियन गवर्नमेंट की यहाँ पर बुराई कर रहे हैं कि रशियन गवर्नमेंट फेल हो गई है और सोवियत यूनियन सक्सेसफुल रहा है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं वाइल द सोवियत गवर्नमेंट बॉट ग्रेन एंड अदर फॉरन कंज्यूमर गुड्स टू बी सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट एट हैवीली सब्सिडाइज रेट्स, रशिया रिजेक्टेड सोशलिज्म। बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि रशिया फेल हो गया है, और रशिया क्यों फेल हो गया है ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। यानी आर और पी एक मैंडेटरी पेयर बना रहे हैं, और क्यू आर एस एक मैंडेटरी पेयर बना रहे हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा इसमें आपका। यहां पर हम इस सेंटेंस को देखते हैं द रीसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट इन द यूएस इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी हैव रिजल्टेड इन इन्वेस्टर सीकिंग, इसमें सच एज आ रहा है इसमें, तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बनेगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसा सेंटेंस फर्स्ट बन सकता है, जो सेंटेंस एक टाइटल सेंटेंस बन सकता है वो फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, रिलेटिवली इजी। इसमें ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं बन सकता, ये फर्स्ट नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर इसमें हम बात कर रहे हैं द वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर इज ऑल्सो, इसमें ऑल्सो आ रहा है तो ये फर्स्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें यहाँ से आप इसको ले सकते हैं द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड एंड करेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट कुड हैव इन्फ्लुएंस द स्पर्ट इन प्राइसेस, यहां से आप ले सकते हैं आर से। द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी ट्रेड एंड करेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट कुड हैव इन्फ्लुएंस द स्पर्ट इन प्राइसेस, ठीक है। इसमें महंगाई बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं द रीसेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर भी देखिए हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम टर्बुलेंस इन फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आर के साथ पी जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। और क्यू के साथ एस जुड़ जाएगा, क्यू के साथ एस क्यों जुड़ेगा, क्योंकि एस वाले सेंटेंस में ऑल्सो दिया है, इसलिए सेंटेंस बाद में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर पी क्यू एस, ठीक है। आर पी क्यू एस इसका सही आंसर आपका हो जाएगा।
ये एक सेंटेंस एक्चुअली एक थोड़ा सा टेक्निकल है, ये पैराजंबल और इकोनॉमी का ये पैराजंबल है, कहीं बीच में से ये लिया गया है और ये काफी टफ है। पैसिव वॉइस देखते हैं, आई होप दैट आई शेल विन दिस डांस कॉम्पिटिशन, आई होप दैट आई शेल विन दिस डांस कॉम्पिटिशन। तो इसमें आप होप का हो जाएगा इट इज होप्ड, आई होप यदि एक्टिव वॉइस हो तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इट इज होप्ड, और इट इज होप्ड केवल एक ही सेंटेंस में दिया गया है फर्स्ट में, तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस आपका इसमें आंसर होगा। इट इज होप्ड दैट द डांस कॉम्पिटिशन विल बी वन बाय मी। सेकेंड पार्ट को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा इसको, और फर्स्ट पार्ट को भी, ठीक है। ही सेड लेट इट रेन आई हैव टू गो, आई हैव टू गो का पास्ट क्या होगा, आई हैव टू गो का इसका हैव टू का पास्ट क्या होगा, हैड टू, और हैड टू केवल एक ही सेंटेंस में दिया है फर्स्ट वाले में, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आप फर्स्ट लगा सकते हैं। तो कभी कभी ये इस तरह के जो सेंटेंस हैं पैसिव वॉइस के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, ये बहुत आसानी से आप लॉजिक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सारे सारे रूल्स होना चाहिए, लेकिन यदि आपको रूल्स याद नहीं आ रहा है तो आप लॉजिक के साथ उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया कि हैप टू है, यहां पर रिपोर्टिंग जो पाथ है ये पास्ट में है, इसलिए ये वाला जो पाथ है ये पास्ट में हो जाएगा जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे, तो हैप टू का हैड टू हो जाएगा, और यहां पर हैड टू केवल एक ही सेंटेंस में दिया है तो इसलिए फर्स्ट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये है आपका क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट को देखते हैं। इंडियाज मोटो हैज बीन वासुदेव कुटुंबकम, इंडिया का जो लक्ष्य रहा है, इंडिया का जो उद्देश्य रहा है, मोटो मतलब उसका जो पर्पज रहा है, इंडियाज मोटो हैज बीन वसुदेव कुटुंबकम और दैट द होल वर्ल्ड इज। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि पूरा संसार मेरा कुटुंब है, पूरा संसार एक ही फैमिली है, ठीक है। तो यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आएगा, इंडियाज मोटो हैज बीन वसुदेव कुटुंबकम और दैट द होल वर्ल्ड इज वन। यदि आप मीनिंग देखें कि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरा पूरा जो विश्व है वो एक ही एंटिटी है, ठीक है, तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा यहां पर वन, दैट द होल वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी, देयर आर आ ऑफ पिलर्स। पिलर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो देयर आर और ए के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, ए के साथ जुड़ेगा नंबर, क्योंकि यहां पर यदि आप नंबर लिखेंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा अ नंबर ऑफ, न्यूमरस नहीं होगा क्योंकि ये लगा हुआ है इसलिए न्यूमरस नहीं आएगा। अगर ए नहीं होता और यहां पर ऑफ था तो फिर न्यूमरस सही होता यहां पर, लेकिन देयर आर अ नंबर ऑफ पिलर्स, यहां पर नंबर सही होगा, देयर आर अ नंबर ऑफ पिलर्स अपॉन विच इंडियाज पॉलिसी ऑफ लिविंग इन पीस, मतलब कई सारे ऐसे पिलर्स हैं जिनके ऊपर इंडिया की पॉलिसी टिकी हुई है, अपॉन विच इंडियाज पॉलिसी ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड एंड पीस, मतलब इंडिया की पॉलिसी क्या है कि शांति के साथ रहना और पीस को क्या करना, पीस को प्रमोट करना, तो यहां पर आंसर होगा एंड प्रमोटिंग पीस अमंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेटिव डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो, न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज हो वो बम बनाने में या इस तरह की डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी में ना हो बल्कि उसका पीसफुल यूज हो, ठीक है, तो ये सही है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स को हम क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स को हम सेटल करते हैं, तो डिस्प्यूट के साथ वर्ड आएगा सेटलमेंट, ठीक है। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन एंड पीसफुल मीन्स आर सम ऑफ द सेलियंट फीचर्स, सम ऑफ द सेलियंट फीचर्स। तो इस तरीके से ये इसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये प्री के क्वेश्चन है और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा उसमें अंतर आपको नहीं लगेगा, और इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये 2017 के सेट्स हैं और ये सारे सेट्स 43 जो सेट्स हैं मैं इस कोर्स में आपको करवाऊंगा, और टीयर टू के सेट्स भी आपको मैं इसमें करवाऊंगा। आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं www.examini.in पर, यहाँ पर मैं ग्रामर के और ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और इंग्लिश से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो इनको आप पढ़ सकते हैं और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।